नमस्कार मैं विवेक शर्मा आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल के लाइव आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करता है टीना का का घर बनाने टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट स्टोर विजिटल देर रात माँ बेटी पर जानलेवा हमला बेटी की मौत जिंदगी और मौत से जूझ रही है माँ कूचबिहार जिले के तूफानगंज महकुमा के बक्सरहाट थाना अंतर्गत बारो कोदाली एक नंबर ग्राम पंचायत के तातीपाड़ा इलाके में धारदार हथियार से मां बेटी पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है हादसे के बाद खून से लथपथ गंभीर हालत में दोनों को तूफानगंज महकुमा अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया जबकि मां की हालत आशंकाजनक देखते हुए उसे एम एमजाइन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है मृत युवती का नाम अंकिता सरकार है उसकी मां संतना सरकार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है इधर घटना की खबर मिलते ही बाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी सोमवार देर रात इस घटने के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है पुलिस मां बेटी पर हुए जानलेवा हमले की जांच शुरू कर दी है देश में कल सामने आए 8,635 नए मामले अब तक करीब 40 लाख लोगों को लगी वैक्सीन देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 8,635 नए मामले सामने आए वहीं चौरानवे लोगों की मौत हो गई बड़ी बात यह है कि बीते दिन देश में संक्रमण के दैनिक मामले पंद्रह हजार से कम आ रहे हैं और पिछले करीब एक महीने से मृतकों की संख्या भी 300 से नीचे बनी हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक करीब चालीस लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कल कुल तेरह लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए जिसके बाद कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ चार लाख अड़तालीस हजार चार सौ छह हो गई है देश में अब तक एक लाख तिरसठ हजार तीन सौ तिरपन लोगों का इलाज चल रहा है वहीं अब तक कोरोना के देश में एक करोड़ सात लाख छियासठ हजार दो सौ पैंतालीस मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख तिरसठ हजार चार सौ छियासी लोगों की हो चुकी है इस वक्त देश में रिकवरी रेट संतानवे प्रतिशत जबकि मृत्यु दर एक दशमलव चार चार प्रतिशत बनी हुई है वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19 करोड़ सतहत्तर लाख बावन हजार संतावन सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं जिनमें से छह लाख उनसठ हजार चार सैंपल कल ही टेस्ट किए गए वामपंथी श्रमिक व शिक्षक संगठन ने केंद्रीय बजट को बताया जनविरोधी केंद्र सरकार की ओर से एक फरवरी यानी कल संसद में पेश किए गए बजट को करार देते हुए वामपंथी श्रमिक व शिक्षक संगठन के संयुक्त मंच के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया जलपाईगुड़ी में संगठन के सदस्यों ने बजट को पूरी तरह जनविरोधी व बकवास वा बताते हुए इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया संगठन की ओर से जियाउल आलम प्रसन्नजीत रॉय आदि ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह से जन विरोधी करार दिया उन्होंने कहा कि इस बजट से आम लोग खासकर गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान होगा उन्हें बजट से निराशा हाथ लगी है इसके साथ ही इन नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग भी उठाई पश्चिम बंगाल में ठंड ने तोड़ा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है फरवरी के पहले सप्ते में ही ठंड से पूरा बंगाल कांप रहा है कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न जिलों की स्थिति काफी खराब है अलीपुर मौसम विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को महानगर का तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है जो सामान्य से पांच डिग्री कम है यहाँ पिछले दस सालों में फरवरी महीने में न्यूनतम तापमान है फरवरी की ठंड ने पिछले दस सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मौसम विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में यह गिरावट जारी रहेगी पिछले कुछ दिनों पहले तक घने कोहरे के कारण पारा कुछ ऊपर चढ़ गया था पर फरवरी की शुरुआत में ही एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी में तापमान सात दशमलव सात डिग्री कालिंगपो में तापमान छह डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक महानगर समेत राज्यों के सभी जिलों में जमकर ठंड पड़ेगी राज्य की मुख्यमंत्री ने कालियागंज नगर पालिका विवेकानंद बस स्टैंड का किया उद्घाटन स्थानीय लोगों में फैली खुशी सिलीगुड़ी में आयोजित उत्तरबंग उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार यानी कल कई अन्य परियोजनाओं के साथ साथ कालियागंज नगर पालिका के द्वारा निर्मित विवेकानंद बस स्टैंड का उद्घाटन किया इस अवसर पर राज्य के युवा कल्याण मंत्री अरूप विश्वास, पर्यटन मंत्री गौतम देव उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविन्द्र घोष आदिवासी और पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री विनय कृष्ण वर्मन श्रम विभाग के राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी उत्तर बंग उन्नयन विभाग के राज्य मंत्री इंद्रनील सेन सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे दूसरी ओर कालियागंज में इस उद्घाटन अवसर पर विधायक तपन देव सिंह अतिरिक्त जिला शासक अलंकृता पांडे कालियागंज नगर पालिका प्रशासन के सदस्य सचिन सिंह रॉय प्रशासक मंडली के सदस्य कमल घोष कालियागंज नगर पालिका प्रशासन मंडली सदस्य बसंत रॉय ईश्वर रजक राजीव शाह नगर पालिका अधिकारी आशुतोष विश्वास फाइनेंस विभाग के छोटू अग्रवाल त्रृणमूल नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के तपन कुंडू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे कालियागंज विवेकानंद বাস স্ট্যান্ড শুরু হোক খুশি কাহল দেখা যা রা হভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি সভা আমরা ভেবেছিলাম উদ্বোধনের আগে আমরা কিছু বলবো কিন্তু সময় পাওয়া গেল না দিদির ভার্চুয়াল উদ্বোধনেই আসল জিনিস ছিল আমাকে বলা হলো দুঃখ এত বলতে দেওয়ার কথা আমি বলছি আমাদের এই বাস স্ট্যান্ড দীর্ঘদিনের কালেঙ্গাসীর চাহিদা এই বাস স্ট্যান্ডটা প্রায় দু মাসের বেশি হলো কমপ্লিট হয়ে পড়ে আছে পৌরসভার দ্বারা নির্মিত হয়েছে আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল আর পানিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জোড়া দিয়ে প্রায় চার কোটির মতো টাকা দিয়ে কাজ হয়েছে দু মাস বন্ধ ছিল পৌর প্রশাসক যিনি ছিলেন আগে উনি একবার এখানে প্যান্ডেল করেছিলেন প্যান্ডেল বাঁধা হলো প্যান্ডেল আবার খোলা হলো আমি বিধায়ক ছিলাম তখন বিধায়ক হিসেবে আমি কিছু আমার নলেজে কিছু ছিল না আমাকে কেউ জানায়ও নি তারপরে শুনলাম যে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনে দেওয়া আছে যার জন্য বাস স্ট্যান্ডটা খোলা যাচ্ছে না কে দিয়েছিল কীভাবে দিয়েছিল আমি জানি না তখন আমি জানলাম আমাকে নতুন টাউন প্রেসিডেন্ট কমল ঘোষ পৌর প্রশাসক আমাদের সচিন সিং Moraes এরা আমাকে বলছিলেন যে আমাদের বাস স্ট্যান্ডে বিরাট মাথা ব্যথা এইটা একটু উদ্বোধন করার ব্যবস্থা করেন যেভাবেই হোক लेते छोटा सा ब्रेक फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार चिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ क्योंकि निमोल हर्बल नीम

खाना ऑर्डर करें ये करीना हाँ वाली वर्क लाइक योर एट ऑफिस like चिलिंग लाइक like home. एट होम ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम रॉयल ओक ऑपोजिट वेघा सर्कल Sevak माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट रॉयल store today. Tina का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दिना घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध महावीर स्टील थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने चौथी कंपाउंड कॉन्टेक्ट नंबर नाइन सेवन जीरो नाइन नाइन सेवन जीरो नाइन एट वन खुट्टा सुनिनु भएको छ मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको डबल सुट चाहिँ एकदमै लाती हुँदै थियो तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो एकदमै राम्रो भयो मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्यागमा निकै सन्चो भएको थियो अहिले धेरै सन्चो छुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले हमारो ठेगाना छा सेंटर पॉइंट बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर एच डी लामा रोड अपोजिट टू ग्रैंड प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जनता लॉज दार्जिलिंग संपर्क नंबर छ नाइन सिक्स फोर वन नाइन नाइन फाइव सेवन नाइन वन सेवन डबल जीरो फोर वन टू समय के साथ ही जरूरी बदलाव प्लास्टिक हटाओ रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ इसके है फायदे अनेक काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं सफाई बिल्कुल आसान मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा प्लास्टिक हानिकारक स्टील के फायदे हैं अनेक कॉन्टेक्ट नंबर नाइन एट थ्री सेवन एट सिक्स के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है एस के लाइव का इस क्षेत्र में चौबीस घंटा टेलीविजन एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है सिक्किम हैथवे और NXT Digital डिजिटल पर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सी सेटअप बॉक्स पर लामपुर से लेके माइना गुड़ी पर सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास नक्सलबाड़ी से पानी टैंकी तक NXT Digital डिजिटल में तो सोचिए नहीं कॉल करें सेवन नाइन जीरो एट डबल फाइव फोर थ्री जीरो एट ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की तरफ जिला परिषद के अस्थायी कर्मचारियों की मांगे जल्द होगी पूरी सभाधिपति ने किया ऐलान जलपाईगुड़ी जिला परिषद कर्मचारी संयुक्त मंच की ओर से जिला परिषद के अस्थायी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले तेरह दिनों से आंदोलन किया जा रहा है मंच के अध्यक्ष दीपांकर चक्रवर्ती ने कहा कि इन मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि शामिल है उन्होंने कहा कि इससे पहले अस्थायी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उन्होंने कहा कमेटी के सिफारिशों के आधार पर वे लोग स्थायी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन दिए जाने की मांग भी शामिल है दूसरी ओर आज जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभापति उत्तरा बर्मन ने इन आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की उन्होंने कहा स्थायी कर्मचारियों की मांगी पूरी करने की दिशा में पहल की जा रही है आज के दीर्घ तेरह दिन जलपाईगुड़ी जिला परिषद अस्थायी कर्मचारी তাদের একটা বেতন বৃদ্ধির জন্য আমরা একটা লাগাতা আন্দোলন করছিলাম আমাদের চারটে দাবি এর মধ্যে ছিল প্রথমত দাবি ছিল হচ্ছে অস্থায়ী কর্মচারীদের একটা বেতন বৃদ্ধি যেটা নাকি এর আগের স্থায়ী সমিতির সভায় একটা ফোরম্যান্সের কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই ফোর কমিটির যে সুপারিশ সেই সুপারিশটাকে মান্যতা দিয়ে দেওয়ার হ্যাঁ এটা আমাদের একটা দাবির মধ্যে ছিল অন্যতম দাবির মধ্যে এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে দাবি ছিল যে আমাদের যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আছে যারা এখন পর্যন্ত পেনশন পাচ্ছেন না তাদের ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট একটা মানে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা মাননীয় সভাধিপতি মহাশয়ের কাছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি আর তার সাথে সাথে আরও যে দুটো ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে সমস্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণ করছেন সেই সমস্ত কর্মচারীদের আবার রিএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধিতা এখানে জেলা পরিষদের যে 43% ছিল তারা আমাদের জেলা পরিষদের বোর্ডের কাছে একটা দাবি রাখছিল যে ওদের কিছু আর্থিক সাহায্য করা হোক সহযোগিতা করুন চাইছিল তো আমরা এটা আমাদের জেলা পরিষদের বোর্ড আছে সেটা আমরা বোর্ডের মান্যতা দিয়ে ওদের যে দাবি ছিল সেটা আমরা মান্যতা দিলাম ফরমেণ কমিটি যে একটা পার্সেন্টেজ হিসাব আছে সেই হিসাবটা করে ওদের যা দাবি সেটাকে আমরা মান্যতা দিলাম ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি 30 फीसदी কম দামোমে দawai उपलब्ध कराएगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जलपाईगुड़ी के लोगों के लिए कम दाम में दवाएं आपूर्ति करने की व्यवस्था की है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जलपाईगुड़ी शाखा की ओर से आम लोगों के लिए सभी प्रकार की दवाओं की आपूर्ति के लिए यहां एक स्टोर खोला गया है राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने इस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया इस अवसर पर डेंगुआ झार चाय सीनियर मैनेजर जीवन चंद्र पांडे रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रमुख अधिकारी सुब्रत सरकार समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास क्रॉस सोसाइटी की पहल पर यहां दवा दुकान खोली गई है इससे पहले जलपाईगुड़ी शहर के केरनिया पाड़ा इलाके में भी लो कॉस्ट मेडिसिन की दुकान खोली गई थी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जलपाईगुड़ी शाखा के सचिव सुब्रत सरकार ने बताया कि अन्य दवा दुकानों की तुलना में यहाँ तीस प्रतिशत कम दामों में दवाएं खरीदी जा सकेगी उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी शहर के बाहर से आए लोगों को भी यहाँ दवाई दी जाएगी आगा 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 বিল্ডিংটা ইনাগুরেশন হলো আজকে মাননীয় এমএলএ খগেশ্বর রায় উদ্বোধন করলেন এটা আগামী সাত দিনের মধ্যে ওষুধের দোকানটা চালু হয়ে যায় এটা বলছে লোকে হচ্ছে জেনেরিক মেডিসিন পাবে মানে উন্নত মানে আর ব্র্যান্ডেড মেডিসিন পাবে অ্যাটলিস্ট এইটিন থেকে সেজন্য বৈশাখ মাস থেকে এটা ডে আর নাইট সার্ভিস এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট চালাচ্ছি टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले राजीव बैनर्जी को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नेताओं के जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है इस बीच पिछले हफ्ते टीएमसी छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी को गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है वहीं देशभर में यात्रा के दौरान उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी किसानों का आंदोलन होगा और तेज संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान 6 फरवरी को देशभर में करेंगे चक्का जाम संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करने की घोषणा की है इस दौरान सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद रहेंगे मोर्चा ने किसान नेता व मोर्चा के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि आंदोलन स्थल की बिजली पानी काटी जा रही है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है शौचालयों की संख्या घटाई जा रही है आवागमन के रास्ते बंद कर दिए जा रहे है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कुंडली बॉर्डर पर बैठक कर रणनीति बनाई किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल योगेंद्र यादव डॉक्टर दर्शनपाल गुरुनाम सिंह चुननी प्रेम सिंह भुंग प्रेमेंद्र मान आदि ने बताया कि सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में चक्का जाम किया जा रहा है भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को नासा में मिली बड़ी जिम्मेदारी बनाया गया कार्यकारी प्रमुख भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को नासा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भव्या अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त की गई है भव्य लाल अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है और बिडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि भव्या लाल के पास अभियांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है भव्या 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान की सक्रिय सदस्य भी रही है आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एस के लाइव आपका समय आपकी खबर धन्यवाद